नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। आर्थिक तंगहाली झेल रहा पाकिस्तान उन सभी देशों से गुहार लगा रहा है जिन्हें वे अपना दोस्त बताते नहीं थकता था। मदरसा मुल्क की हालत कोर्ट में खाद जैसी हो गई है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब 30 करोड़ डॉलर पर आ गया है और उसके डिफॉल्ट होने का खतरा बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान उस हरेक दरवाजे पर तसरी पटक रहा है जहां से उसे मदद की उम्मीद नजर आती है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो पाकिस्तान का एटीएम कहे जाते थे, उन्होंने भी पैसे उगलने बंद कर दिए हैं। जबकि जिस चीन को वह सदाबहार दोस्त बताता था, वह उसे मझधार में छोड़कर बाहर भाग गया है। पाकिस्तान ने अपने एक और दोस्त तुर्की से मदद की गुहार लगाई थी, मगर पाकिस्तान द्वारा तुर्की से मदद मांगना अब गले की फांस बन गया है। बुरे वक्त में तुर्की ने पाकिस्तान को कोई भी सहायता देने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तान से अपने 34 करोड़ डॉलर की पेमेंट समय पर देने का अल्टीमेटम दे दिया है। एर्दोगन ने साफ तौर पर कहा है कि तुर्की की आर्थिक स्थिति कर्ज देने की नहीं है। उनका देश खुद दुश्वारियों का सामना कर रहा है और तुर्की को अपनी पेमेंट को लेकर चिंता सता रही है, जिसे फरवरी में पाकिस्तान को तुर्की को करना है। यही नहीं, एर्दोगन ने इस पेमेंट के लिए अतिरिक्त समय देने से भी इनकार कर दिया है। दरअसल तुर्की पाकिस्तान के लिए युद्ध पोतों का निर्माण कर रहा है। तुर्की ने वर्ष 2018 में पाकिस्तान को पहला जंगी जहाज बाबर सौंपा था। जुलाई 2018 में एक रक्षा करार के तहत पाकिस्तान ने तुर्की के साथ 4 युद्ध पोतों की खरीद के सौदे किए थे। इस रक्षा सौदे के तहत 2 जंगी जहाजों का निर्माण तुर्की में होना था, जबकि बाकी का निर्माण पाकिस्तान में होना है। लेकिन पाकिस्तान अभी तक भी बाबर युद्ध पोत का पूरा भुगतान नहीं कर पाया है। अब तुर्की भी पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने से घबराया हुआ है। उसे आशंका है कि अगर पाकिस्तान की बैंड बजी तो उसके भी तैमंद उधड़ सकते हैं। ऐसे में अब तुर्की ने भी भागते मुल्ला के तैमंद पकड़ने की चाल चल दी है और पाकिस्तान की सहायता करने की बजाय वह अपना पैसा निकालने पर अड़ गया है। कहते हैं कि जब सांप बूढ़ा हो जाता है तो वह भी सपेरे को छोड़कर चला जाता है, पर यह तो सांपों की बेशुमार भरमार है। यह खतरनाक सांप दुनिया को डसने के लिए पैदा किए गए थे, मगर अब एक दूसरे को पूंछ की तरफ से निगलने में लगे हुए हैं। तुर्की के इस व्यवहार से पूरा मदरसा मुल्क भौचक्का हुआ पड़ा है। कम से कम उन्हें इस मुस्लिम बिरादर से ऐसे अनादर की उम्मीद नहीं थी। यानी गए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले पड़ गए। आपको बता दें कि खाड़ी देशों को अलग कर दे तो तमाम मुस्लिम देशों की हालत बीरबल की खिचड़ी की तरह हुई पड़ी है। लेबनान, मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश समेत तुर्की भी आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। इस देश में मई महीने में चुनाव होने वाले हैं और राष्ट्रपति एर्दोगन अपने अगले कार्यकाल को लेकर चिंतित है। तुर्की की मुद्रा लीरा की हालत भी जिन्ना छाप करेंसी की तरह गधेया नृत्य कर रही है, जबकि वहां पर महंगाई कीर्तिमान बना चुकी है और लोगों में हाय तोबा के हालात बने हुए हैं। तुर्की का विदेशी मुद्रा भंडार 7 अरब 90 करोड़ डॉलर तक गिर गया है और खुद उसके पास 4 हफ्तों के आयात का ही पैसा बचा है। उसके ऊपर विदेशी कर्ज 452 अरब डॉलर से ऊपर हो चुका है, जो उसकी जीडीपी का लगभग 40% के करीब है। यानी पाकिस्तान के इस यार के दिन भी गधा पकाओ मटन बताओ जैसे चल रहे हैं। तुर्की से मायूसी मिलने के बाद मदरसा मुल्क को मदद मिलने के रास्ते लगभग बंद हो गए हैं और अब IMF पर ही उसकी उम्मीद टिकी हुई है। यही नहीं, अगर पाकिस्तान ने जल्दी से समस्या का समाधान नहीं किया तो इससे देश के बैंक डिफॉल्ट हो सकते हैं। यानी बैंकों के पास निजी जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पर्याप्त डॉलर नहीं बचेंगे। उसे विदेशों से जो लोन मिले थे वह खत्म हो चुके हैं और अब कोई भी मुल्क उसे नया कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। सभी देशों को अपने कर्ज की वापसी की चिंता सता रही है। इसका मतलब यह कि पाकिस्तान जब डूबेगा तो अकेला नहीं डूबेगा, उसके साथ खाड़ी देशों और चीन को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तुर्की के 34 करोड़ डॉलर का क्या होगा, यह पाकिस्तान की हालत से साफ नजर आ रहा है। देश के बैंकों के पास अब इतने भी डॉलर नहीं बचे हैं कि वह बंदरगाहों पर पड़े सामानों का भुगतान कर सके। पाकिस्तानी पोर्ट पर 90 करोड़ डॉलर का सामान आया पड़ा है और शिपिंग कंपनियां पाकिस्तान सरकार को अल्टीमेटम दे चुकी है कि अगर यही स्थिति रही तो वे पाकिस्तान के लिए अपनी सेवाएं बंद कर देंगे। यानी पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है।
जो कम से कम एक अच्छी बात है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।